नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ECM ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ये पार्ट मॉल्डिंग सॉलिडवर्क्स में बनाना सिखाऊंगा इन इजी वे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा और काफ़ी यूनिक है। इसमें देखिए बहुत सारे कमांड्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे रिवॉल्व कमांड, लीनियर पैटर्न कमांड, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने थ्रेड भी लगाया हुआ है और ये एक्सट्रूड कट कमांड भी यूज़ की हुई है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, बीच में आप लोग इसे स्किप मत करना। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स पर अगर आप नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक, इंजीनियर्स तक फैलाइए। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पे। अब देखिए ये तीनों हमारे डिफॉल्ट प्लेन्स होती हैं, इन तीनों में से किसी एक को मैं चूज पिक करता हूँ और नॉर्मल टू करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने नॉर्मल टू किया, ये मेरा प्लेन सामने आ गया, ठीक है ना, जिससे मुझे दिखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्या होने वाला, तो उससे मैं नॉलेज अपडेट में रहूँगा, ठीक है ना। आज के टाइम में सर आपको मैं बता दूं, अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैं ड्राइंग में क्या देख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसके सारे व्यूज रिप्रेजेंट किए हैं ताकि आप इजीली इसकी डायमेंशन देख के इसको आप समझ सकें और ड्रॉ कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी ईजी वे में आप इसको समझ सकेंगे और ड्रॉ कर सकेंगे। तो इस ड्राइंग में देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हैचिंग पोर्शन आप देख रहे हैं, इसका मैं केवल इस हैचिंग पोर्शन को ड्रॉ करूंगा। तो वो कैसे ड्रॉ करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक्सिस से ऊपर हाफ ऑफ ले लूंगा। ये देखिए डाय 45 डाय 36 दिया हुआ है सबका। डाय क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, लेकिन ये क्या होती है, फुल लेंथ होती है। डाय क्या होती है, फुल लेंथ होती है और रेडियस हाफ लेंथ होती है। तो इसकी फुल लेंथ दी है तो इसका हम हाफ चलेंगे इस पॉइंट तक आने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन सबको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में रिवॉल्व कर देंगे तो ये मुझे सॉलिड पोर्शन इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद से उसके फेस पे मैं ये लीनियर पैटर्न लगाऊँ, कितने 8 डाया और कितने आइटम्स मेरे, एक देखिए एक क्वाड्रेंट में ये एक लाइक कर रहा है, ठीक है ना, हाफ हाफ, तो मतलब 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट पे ये 4 सर्कल और हर क्वाड्रेंट में एक एक है, तो इनके 8 हो गए टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे, ठीक है ना, 8 डाया के। और इसकी फुल लेंथ कितनी है, 100 डाया, यानी मतलब इसकी 100 क्या पूरी दूरी है आपकी, ठीक है ना। और ये मैंने इसका करंट व्यू रिप्रेजेंट, करंट व्यू क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं सॉलिड वर्क्स पे इसकी मॉडल, उसका मॉडल बना रहा हूँ और उसको मैंने एज इट इज रख दिया, तो उसका वो वहाँ पे उसका डिटेलिंग में करंट व्यू आता है। और आइसोमेट्रिक व्यू पर अगर मैं जैसे वहाँ पे हेडसअप व्यू टूल बार होते हैं उनके ऊपर मैं क्लिक करूँ, जैसे आपको यहाँ बताता हूँ, ये हेडसअप व्यू टूल बार, ये आइसोमेट्रिक ऑप्शन है Ctrl+7, यहाँ पर क्लिक करूँगा उसका आइसोमेट्रिक व्यू दिखाएगा। और पार्ट को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा तो उसका करंट व्यू दिखाएगा। तो ये सब के करंट व्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने करंट व्यू रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना, काफी अच्छा दिख रहा है आपका पार्ट। और यहाँ पे ये मैंने इसका सेक्शन व्यू रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पे आए, मैंने ये बताया आपको, ये तीनों हमारे डिफॉल्ट प्लेन्स होती हैं, इसमें से कोई एक प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल टू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारी प्लेन सामने आ जाएगी। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ले लेंगे, जैसे आप इसके साइड व्यू में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं, लाइन लाइन के यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे जो एरो जुगा आ रहा है आपका, अब यहाँ पे सेंटर लाइन का ऑप्शन आया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरी लाइन जुड़ जाएगी। अब कोई डिस्टेंस नहीं रखनी आपको उसकी, ज़रूरी नहीं कि आप उसको बड़ा करो या छोटी डिस्टेंस का रखो, ऐसा कोई मतलब मैटर नहीं करता, उसको हटा कितनी भी रख सकते हैं, उसको मैंने टेक्स्ट को हटा दिया। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे भी कि आप एक्सिस से ही ऊपर जाओ, ठीक है ना। अब मैं इस लाइन से मैं ऊपर जाऊँगा, कितना ऊपर जाऊँगा आइए अपने ड्राइंग में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ड्राइंग में मुझे इस पॉइंट तक आना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट तक आने के लिए ये 45 की क्या है मेरी फुल लेंथ है। डाय क्या होता है, ये डाय का सिंबल है फाइव 45 डायमीटर, यानी 45 क्या है उसकी फुल लेंथ है। तो मुझे इस पॉइंट तक आना है, तो मैं 45 का हाफ चलूंगा। अब 45 का हाफ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 45 / 2 ये आ गया आपका 22.5, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी आप रिवॉल्व की मतलब कोई रिवॉल्व का स्केचिंग करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये देखोगे मतलब मेरा इजी वे, इजी में कहाँ से जा रहा है। सबसे पहले उस प्रोफाइल को क्लोज करने की सोचो। अब ये क्लोज कैसे, मुझे मालूम है कि ये 41 की फुल डिस्टेंस दी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे जाऊँगा, इधर 10 चलूँगा, फिर नीचे आऊँगा। इधर नीचे आने के लिए क्या करेंगे, मैं एक्सिस से कितना चलूँगा ऊपर, 21 का हाफ चल दूंगा, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा और फिर मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला दूंगा, ये क्लोज हो जाएगा। फिर मैं इसको यहाँ से, ये 41 की डिस्टेंस है और यहाँ तक ये 10 की डिस्टेंस है, तो 41 - 10 31 की डिस्टेंस चलेंगे, ये हो जाएगा इतना इतना आपका क्लोज मतलब बन जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं ऊपर का ड्रॉ करूँगा, इसको क्लोज करवा दूंगा, ठीक है।
इस तरह से आप मतलब रिवॉल्व की स्केचेस में मतलब जहाँ तक पहले आप उसको क्लोज करने की सोचे कि मेरा ऑब्जेक्ट क्लोज कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे आते हैं, ये कितनी रखनी है मुझे, 22.5। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूँगा इसको एडिट करने के लिए, 22.5 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब 22.5 हो गया। मैं इस पॉइंट से मैं मतलब मान लीजिए उस पॉइंट से जो मैंने लिया उस पॉइंट से मैं कितना क्या क्या करूँगा, मैं राइट में चलूँगा, कितना कितना चलना है आपको, ये देखिए दोस्तों मैं चलूँगा 10। ठीक है ना, यहाँ तक की डिस्टेंस आप देखिए, आप देख रहे हैं 10। ठीक है, तो मैं 10 चलता हूँ, इस पर टेक्स्ट पर डबल क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इनको फैलाइए दोस्तों दूसरों तक, कि ताकि वो भी इन बेनिफिशियल वीडियोस को जान सके। ठीक है, बढ़िया से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसके अंदर, बहुत सारे कमांड्स यूज़ करनी और बहुत सारी मतलब काफ़ी नई नई चीज़ें आपको मालूम चलेंगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने देखिए ये रिवॉल्व से हम लोग बना रहे हैं, तो रिवॉल्व कमांड बहुत ही मतलब एक सॉलिड वर्क्स में बहुत ही बेस्ट कमांड मानी जाती है ये, आपकी उसके अंदर भी है, ऑटोकैड में भी है, जितने भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं, ड्रफ मतलब है ना, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं और सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सब में अवेलेबल है ये। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से नीचे आऊँगा, कितना नीचे आऊँगा, इस पॉइंट तक आने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे मालूम है कि ये एक्सिस से 21 का मैं हाफ चलूँगा। ठीक है ना, एक्सिस से चलेंगे, याद रखना आप लोग दोस्तों, ये नहीं कि आप कहीं उसी पॉइंट से 21/2। ठीक है, 21 का हाफ करेंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, कितना है आपका 10.5, तो मैं एक्सिस से 10.5 ऊपर चलता हूँ। ठीक है, और देखिए ये स्नैप करेगा खुद ही ऑटोमेटिकली, ये बहुत ही अच्छी बात होती है इसका हमारे सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये स्नैप करता है जिससे हमारा आधा वर्क ईजी हो जाता है। कितना रखना है आपको, डबल क्लिक, 10.5 एंटर। ठीक है, एंड देन इसको हटा दूंगा। अब मैं यहां से कितना चलूंगा, ऊपर चल लेते हैं, इसको मिलाते हैं। ठीक है, मुझे ये पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाना है इसको बस केवल। ठीक है, और इस लाइन को मैं हटा दूंगा, ये मुझे नहीं देखना, डिलीट कर दूंगा। ठीक है, कोई टेक्स्ट को भी डिलीट कर दिया मैंने। अब दोबारा अपने डायग्राम में आते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ से मेरा एरो देखिए, यहाँ से इस पॉइंट तक आना है, तो मुझे ये डिस्टेंस टोटल दी हुई है 41 की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी कितनी दी हुई है, 41 की। ठीक है, ये तो मेरी टोटल 41 की दी हुई है, और मुझे मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी 10 है, और मुझे चलना क्या है, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रॉ करना है, तो 41 माइनस 10 कर देंगे, आपकी डिस्टेंस आ गई 31। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से जुड़ जाऊँगा, अब स्मार्ट डायमेंशन में जाऊंगा, टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूंगा, और मुझे कितना रखना है, 31 एंटर, एंड डिलीट कर दूंगा इसको। तो ये हो गया आपका, यहाँ तो हो गया। अब देखिए यहाँ तक आना, फिलेट रेडियस को, फिलेट को मत काउंट करना, फिलेट रेडियस आपका 1 mm का दिया हुआ, फिलेट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये देखिए 32 डाय है, यहाँ तक पहुँचने के लिए 32 डाय दिया हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सिस से हाफ ऊपर चल रहा हूँ, तो 32 का हाफ कर दूँ, कितना है आपका, 16। ठीक है, तो हम 16 ऊपर चलेंगे, आते हैं स्क्रीन पे, और देखना याद रखना दोस्तों, एक्सिस से ऊपर जाना है आपको। ठीक है ना, एक्सिस से ऊपर जाना, कितना 16, सॉरी मैं ऑटो कैड का ध्यान कर रहा था। आपको क्या करना है, एक बार लाइन को पहले क्लिक करना है आपको, ध्यान रखना, और देखिए हमारी टेपर लाइन हो गई। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहले एस्केप करेंगे फिर कंट्रोल जेड करेंगे। ठीक है, अब मुझे दोबारा लाइन के आइकन पे क्लिक करना है। ये दोस्तों कब हो जाता है, जैसे मान लो कि अगर आप माउस को यूज़ करने के लिए, उसको ड्रैग कराने के लिए जगह कम मिलती है, तब होता है। ठीक है ना, लाइन आपकी क्या हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी। इसलिए जब भी ऑटो ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर हो चाहे या मॉडल सॉफ्टवेयर हो, इन सब पे वर्क करो, तो माउस के ऊपर आपको पूरा कंट्रोल, और माउस को रखने के लिए आपको पूरी जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये जो स्नैपिंग लाइन होती है, क्योंकि इन सब सॉफ्टवेयर में ये बहुत अच्छी बात होती है कि ये सब स्नैपिंग लाइन शो कर देते हैं। ठीक है, और ट्रैकिंग पॉइंट शो करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ से ट्रैक करेगा आपका। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट से ऊपर जाने, कितना स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, इधर आते हैं डायग्राम में, मुझे एक्सिस से इस पॉइंट तक आना है, तो मैं क्या करूंगा, कितना डिस्टेंस में चलूंगा, 16। ठीक है, 16 एंड। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक। अब इधर कितना चलना है, ये इस पॉइंट तक डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 की, तो मैं 10 चलता हूँ। ठीक है,
स्मार्ट डायमेंशन पे जाएंगे, डबल क्लिक 10 एंटर, ठीक है। अब देखिए इसको हम ट्रिम कर देंगे, ट्रिम एंटिटीज पे जाएंगे, इसको हम पावर ट्रिम का यूज़ करेंगे और ये ट्रिम हो गया आपका, ठीक है। और ये टेक्स्ट अटैक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अपने डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर कितना चलेंगे हम, देखिए मुझे ये क्या है, यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी, ये आपका 42 डाया का है, देखिए एम 42 बाई 141.5 मीन्स 42 का डाया है आपका, डाया के ऊपर 1.5 पिच की ये आपके थ्रेड लगे हुए, ठीक है, थ्रेड कटे हुए हैं। तो ये यहाँ से डाया मीन्स क्या होगी, इसकी फुल लेंथ कितनी 42 हो गई और ये फुल लेंथ कितनी है इसकी 32 है, ठीक है। तो 42 माइनस 32 जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अब डिवाइड बाय 2 क्यों करा हमने, क्योंकि हमने फुल लेंथ ली उसकी, हाफ लेंथ तो ली नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने कैलकुलेटर पे और इसको करते हैं, 42 माइनस 32 10 डिवाइड बाय 2 5, ठीक है। अब लाइन के आइकन पे क्लिक करेंगे हम, अब यहां से आपको ऊपर कितना उठना है, देखिए एक्सिस से नहीं उठेंगे, यहाँ से उठेंगे, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैंने फुल लेंथ ली है, हाफ लेंथ नहीं ली उसकी, ठीक है, 5। और फिर मैं इधर कितना चलूंगा, ये मैंने आपको बताया, ये आपका 10 का लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब 10 का कैसे लगा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 26 है और ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 26 माइनस 10 26 में, और ये डिस्टेंस आपकी 6 की है, ठीक है, मैंने शो नहीं की हुई है मगर ये 6 की है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से कैलकुलेट करते हैं, 10 प्लस 6 16 हो गया और 26 माइनस 16 करेंगे तो जितनी भी डिस्टेंस आएगी वो हमारी इतनी मिल जाएगी, ठीक है, समझे आप लोग दोस्तों। ये डिस्टेंस देखिए दोस्तों, ये जो मेरा एरो देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये 6 की है, ये मैंने इसमें शो नहीं की हुई है, ठीक है, ये 6 की है आपकी, और जब वो 6 की है तो ये 10 की है, 10 प्लस 6 16 तो, और ये टोटल 26 है, 26 माइनस 16 कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है, 26 माइनस 16 10, तो ये भी डिस्टेंस आपकी 10 की आएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम कितना चलेंगे, फिर से 10 एंटर करते हैं एंड स्कैन एस्केप कर देंगे। अब फिर हमें नीचे आना, नीचे कितना आएंगे देखिए दोस्तों, अब ये 36 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ तक 36, तो 36 का हाफ कितना हो गया 18, ठीक है, तो मैं 18 चलूँगा और स्नैप करूँगा उसको, देखिए स्नैप हो रहा है, रेफरेंस लाइन आ रही है आपकी, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये डिस्टेंस कितनी रखनी है आपको 18 mm, एंटर, ठीक है। अब मैं इसको इस पॉइंट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको जोड़ दूँ, ये कितनी डिस्टेंस आपकी 3 की है। अब मैं मुझे ये नहीं रख देखना, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल अगर प्रेस करके सेलेक्ट करें दोनों एक साथ सेलेक्ट होंगे, कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस किया, डिलीट, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने जैसे मैंने बताया था कि ये डिस्टेंस जो है मैंने आपको शो नहीं की हुई, ये कितने की 6 की है आपकी, तो 6 डिस्टेंस चलते हैं हम। तो काफ़ी इजी वे में मैंने आपको ये बताया दोस्तों। अब ये जो फिलेट लगे हुए ये हम बाद में कर देंगे, ठीक है, सॉरी ये टेपर्ड हो गई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड मीन्स क्या होता है दोस्तों, एक स्टेप पीछे जाना, ठीक है, और अगर एक स्टेप आगे आना तो क्या करेंगे, कंट्रोल वाई, ठीक है, 6 एंटर, ठीक है, इसको भी हटा देंगे। अब मैं डायग्राम में देखिए मुझे इसके यहाँ तक या इस पॉइंट तक आना है, ठीक है ना। तो अभी छोड़िए इस पोर्शन को हम हटाते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ से अब हटा देते हैं, अब इसको यहाँ से चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे आते हैं, फ्रंट में आते हैं इसके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये 45 है, यहाँ तक तो आ गया मैं, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, ये एरो देखिए मेरा, अब मैं यहाँ पे आ गया, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, उसको मैंने छोड़ दिया, तो ये कितना है मेरा, ये पॉइंट मेरा 45 का, ये तो हो गया मेरा, चल दिया मैंने, फुल लेंथ मेरी 45 की, और ये जो इसकी पूरी लेंथ मेरी कितने की 100 डाया मीन्स उसकी पूरी, तो ये पूरी दूरी 100 की है, तो 100 माइनस 45 जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि हमें, क्योंकि मैं फुल लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, हाफ तो ले नहीं रहा, तो करते हैं 100 माइनस 45, ठीक है, एक जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 करेंगे, 27.5 आया आपका, ठीक है,
तो मैं यहाँ से जुड़ूंगा और ऊपर जाऊँ कितना, 27.5 स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं और इसको 27.5 एंटर करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं अपने डायग्राम में दोबारा आता हूँ। अब मुझे ये दूरी चलनी है, देखिए फिलेट मत देखना अभी, फिलेट काउंट नहीं करना, ठीक है ना। ये दूरी चलनी है कितनी हुई, ये तो मुझे मालूम है पूरी दूरी 10 की है, ठीक है। और ये दूरी कितनी की आएगी, देखिए हमें मालूम है यहाँ नीचे आइए, ठीक है, बॉटम में देखिए मेरा एरो कहाँ जा रहा है, देखिए मुझे मालूम है पूरी दूरी 41 की है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 35 की है। तो 41 माइनस 35 करेंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कितना आएगा, 6 आएगा, 41 माइनस 35 इक्वल्स 6, ठीक है दोस्तों। तो हम इस पॉइंट को चलते हैं कितना, सिक्स, और इसको टेक्स्ट को हटा देंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट तक की डायमेंशन मेरी 57 की है, ठीक है, और ये मेरा कितने का है, टोटल मेरा 100 का है। तो 100 माइनस 57 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये दोनों डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। फिर से वही करेंगे हम, ठीक है, लेकिन इस बार 100 में से हम क्या करेंगे, माइनस 57 करेंगे, ठीक है, इक्वल्स जो भी आएगा डिवाइड बाई 2 कर देंगे आप, 21.5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 21.5 नीचे आएंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं, इसको करेंगे 21.5। देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन आप लोग, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक ना, आप लोग ध्यान से देखना इसको। इसके अंदर हमें क्या करना है, थ्रेडिंग भी करनी है और एक्सटर्नल लीनियर पैटर्न भी यूज़ करना है, फिर फिलेट भी लगाएंगे, इसको मटेरियल, इसको कलर भी करेंगे हम, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राॅइंग है ये। अब आते हैं अपने डायग्राम पे। अब डायग्राम पे देखते हैं, मुझे इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक तो आ गया मैं, अब इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक आना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे ये आप एक्सटेंशन लाइन देख रहे हैं इसकी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितने की, 10 की है, बट मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो ये कैसे मिलेगी मुझे, देखिए दोस्तों हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस कितने की, 35 की है। यहाँ से नीचे देखिए, नीचे मेरा एरो यहाँ से यहाँ तक 35 है और मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, तो यहाँ और यहाँ तक कितनी, 26 की। तो 35 माइनस 26 करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, मतलब ये सिमेट्रिक आ रहा है इसके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 35 माइनस 26 करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, 6 हो गया, इसको हटा दीजिए आप एरो से, 9। तो 9 डिस्टेंस हम चलते हैं। देखिए आपको दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे ठीक ना, 20 इसको हम 9 रखेंगे, 9 एंटर। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है, तो ये प्रोफाइल हमारी पूरी फुली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम इससे आके मिला देते हैं, देखिए थोड़ी टेम, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस रह गई थी, मतलब आगे बढ़ गई है, तो कोई बात नहीं, इसको हम ट्रिम कर देंगे। देखिए जब भी रिवॉल्व कमांड की कंडीशन थी, आपकी लाइन कहीं से ओपन नहीं होनी चाहिए, फुली क्लोज होनी चाहिए, ठीक ना, अगर ओपन रहेगी तो रिवॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखिए आपकी प्रोफाइल पूरी, स्केच पूरा, रिवॉल्व स्केच पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। जैसे हम अब यहाँ पे थ्रेडिंग है तो थ्रेडिंग हम बाद में लगा देंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम लगाएंगे, और ये लीनियर पैटर्न का यूज़ करना आपको, पहले शूट कट करके वो स्केच बनाएंगे, ठीक है। ये ऑटोकैड में जो मैंने आपको बनाया था, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैंने ट्रिम कमांड यूज़ की, अब मैं इसका डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दूंगा, यहाँ से स्केच से बाहर जाऊँगा, फिर मैं यहाँ से स्केच को हाईलाइटेड करूँगा, इस विंडो से फीचर्स में जाऊँगा, मुझे क्या करना है, रिवॉल्व बॉस वाई बेस कमांड का यूज़ करता हूँ, एंड देन ओके, मुझे कोई चेंजेस नहीं करने इसमें। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसा मैंने कहा था, एकदम सॉलिड बन गया, ठीक है ना आपका। अब मैं इसमें वन बाय वन सारे जो मतलब मैं डायग्राम में आते हैं, अब क्या देख रहा हूँ, सबसे पहले हम इसमें ये क्या जो होल्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे, ये डायग, ठीक है ना। चलिए करते हैं, तो मैं उसको होल्स को इस फेस पे ड्रॉ करूँगा, तो इस फेस पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और नॉर्मल टूल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब थोड़ा कंट्रोल प्रेस करके डायग्राम को इधर लेके आएंगे ताकि आप इजीली इसको देख सकें मैं क्या ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक ना। स्केच पे जाएंगे, सर्कल पे जाएंगे,
अब देखिए यहाँ पे इसका पीसीडी सबसे पहले हम इसका पीसीडी देखेंगे, तो आपका पीसीडी इसके अंदर दिया नहीं हुआ है, मैंने दिखाई नहीं हुआ है, सॉरी। हाँ पीसीडी है इसका आपका 86 का, ठीक है ना, तो पीसीडी डाया है इसका 86 का। तो हम पहले 86 पीसीडी में पिच सर्कल डाया, 86 डाया का हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, 86 एंटर, और उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से हम क्या करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसको लीनियर पैटर्न करवा देंगे, ठीक है, स्केच में कितने का 8 डाया का, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपको रखने हैं 8 डाया एंटर, ठीक है, इसको रहने देंगे, पैरामीटर की तरह काम करेगा हमारा ये, लीनियर स्केच पैटर्न में जाएंगे, हमें क्या करना है सर्कुलर स्केच पैटर्न, पैरामीटर के रखना है आपको ये रखना है, इसको क्लिक कर लिया। अब एंटिटीज टू पैटर्न, किसको आपको पैटर्न करना है, मेरी आर्क सेलेक्टेड है बट मुझे किसको करना है, इस आर्क को करना है, ठीक है, एंड देन नंबर ऑफ आइटम्स कितने रखने हैं मुझे 8 रखने, एंटर कर दूंगा, एंड देन ओके, डायलॉग बॉक्स क्लोज, इसको सेलेक्ट कर दो, ये पीसीडी है आपका, या तो आप उसको सेंटर लाइन की तरह भी दिखा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा, स्केच को मैं सेलेक्ट करूँगा, एंड देन फीचर पे जाऊँगा, मुझे क्या करना है इसको, अब मुझे इसे कट करना, मटेरियल रिमूव करना है, तो एक्सट्रूड कट करेंगे, एंड देन ओके, ठीक हो गया आपका, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है हमारा। अब कितने इजी वे में ये ड्राइंग हमारी प्रोफाइल बन गई, इसके अंदर देखिए मैंने क्या क्या कमांड यूज़ करी, मतलब अभी पूरी फुली बनी है, अभी हमें इसमें थ्रेडिंग करनी है, बट अब यहाँ तक हमने रिवॉल्व कमांड यूज़ किया, कट एक्सट्रूड कमांड यूज़ किया, रिवॉल्व में हमने क्या किया देखिए, आप प्लस के सिंबल पे क्लिक कीजिए, अब रिवॉल्व में हमने स्केच किया, अब स्केच पर अगर आपको एडिट करना हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, फीचर में एडिट करना हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं, सिंपली आप पार्ट पर भी क्लिक करिए, यहाँ पर आपको स्केच में एडिट करना है, पार्ट में एडिट करना है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसके, ठीक है, यहाँ से इसको माइनस कीजिए, ठीक है, एंड देन दोबारा हम डायग्राम पे चलते हैं। अब मुझे ये थ्रेड ड्रॉ करनी है, अब ये थ्रेड ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पे इसका डाया दे रखा है 42 का, मतलब ये M42 ये इसका डाया है, ठीक है ना, और 1.5 की इसकी पिच वैल्यू, और इसके अंदर प्रोफाइल हम सर्कुलर रख लेंगे या फिर रेक्टेंगुलर ट्राइंगल कैसी बनाएंगे, तो यहाँ पे हम सर्कुलर रख लेंगे, लेकिन थोड़ा मतलब आपको बताना, ठीक है ना, तो सर्कुलर प्रोफाइल रखूँगा मैं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे कहाँ पे लगाना चाहिए, या इस वाले सर्कल पे लगाना, ठीक है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल 8 प्रेस करूँगा, ठीक है। अब मैं स्केच में जाऊँगा, ध्यान से स्टेप देखिए मेरा, मैं क्या क्या स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँ, 42 डाया एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंड देन अब मैं फीचर्स में इसको बाहर जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से फीचर्स में जाएंगे, अब मुझे क्या करना है कर्व्स में जाना है, ठीक है, कर्व्स में मुझे सबसे नीचे आऊँगा, हेलिक्स एंड स्पाइरल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और जो वो मेरा सर्कल है उसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किया था मैंने, इसको क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया पिच एंड रिवॉल्यूशन डिफाइंड बाय पिच एंड रिवॉल्यूशन, बट मुझे यहाँ पे मालूम क्या क्या है, उसकी हाइट मालूम है, हाइट कितनी 10 की है, 10 mm की है, ठीक है ना आपकी, और उसकी पिच वैल्यू कितने की 1.5 की देगी, तो मैं हाइट एंड पिच के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, हाइट कितने की रखनी है मुझे 10 mm, और पिच वैल्यू कितने की रखनी है मुझे 1.5, एंटर। अब ध्यान रखना दो, और इसको मैं ये देखिए आपकी डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, इसको मुझे क्या करना है रिवर्स डायरेक्शन करना है, ठीक है, और एंगल स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और क्लॉकवाइज है, टेपर मुझे करना है नहीं अभी, ठीक है, बस ओके कर दूंगा। अब मैं प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा, मैंने जैसे बताया था आपको क्या करेंगे, इसके अंदर दो स्टेप होते हैं, एक तो पहले मैंने पाथ ड्रॉ कर दिया ये हेलिक्स पाथ, ठीक है ना, अब दूसरा क्या है इसकी प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा, प्रोफाइल क्या मैं इसके मिड से ड्रॉ करूंगा, मिड प्लेन से, ठीक है, ये ओके है मेरा। अब इसकी मिड प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ, ये फ्रंट आ रही है आपकी, अब नॉर्मल टू का ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा, एंड देन इसको थोड़ा सा ड्रैग करवा के इसको जूम करूंगा ताकि आप इजिली इसको देख सकें बढ़िया से कि मैं क्या ऑपरेशन को अप्लाई कर रहा हूँ। अब इस सर्कल के ऊपर जाऊँगा, अब देखिए 1.5 भी मेरी पिच है, तो मैं सर्कल का जो डाया है उसको थोड़ा कम रखूंगा, ठीक है, कितना रखूंगा कम, मान लीजिए 1 का रख लेता हूं, ठीक है, एंड देन एंटर 1 mm, उसके बाद यहां से बाहर जाऊंगा, ठीक है, स्केच से यहां पे स्केच को सेलेक्ट करूंगा, हाइलाइटेड हो जाएगा मेरा, फीचर में जाऊंगा, अब मुझे क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है इसके ऊपर, स्वीप कट। स्वीप कट क्या होता है, मतलब जैसे आप झाड़ू लगाते हो तो मतलब एक डायरेक्शन तो लगाओगे नहीं, आप अलग अलग डायरेक्शन में लगाओगे, मतलब ठीक है ना, तो मतलब सर्कुलर टाइप में इसके अंदर हम स्वीप कट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोफाइल एंड पाथ, इसके डायलॉग बॉक्स में
प्रोफाइल एंड पाथ, तो प्रोफाइल ऑलरेडी में सेलेक्टेड है स्केच 8। अब पाथ सेलेक्ट करेंगे हम, पाथ क्या है मेरा ये है, पाथ को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए ये ऑपरेशन में ले रहा है, ठीक है ना, एंड देन यहाँ से हो गया है, अब मैं ओके करूँगा, ये हो गया आपका काफ़ी इजी वे में। तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई किया। अब देखिए आप चाहे तो आप कोई सी भी प्रोफाइल बना सकते हो, चाहे आप ट्रायंगुलर प्रोफाइल बनाओ, नॉचिंग प्रोफाइल जो होती है, रेक्टेंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायर थ्रेड या फिर सर्कुलर थ्रेड, ठीक है ना, आप कुछ भी बना सकते हो कोई मैट, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आते हैं अपनी सॉइल डायग्राम पे। अब डायग्राम ये मैंने कट कर दिया, ठीक है ना। अभी लास्ट में हमें फिलेट, अब मुझे क्या बचा है इसके अंदर, फिलेट रेडियस लगाना है, ठीक है ना। तो फिलेट रेडियस करते हैं। अब फिलेट रेडियस के लिए क्या मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, और मुझे मैं डायग्राम ड्राइंग में क्या देख रहा हूँ कि ये सभी फिलेट रेडियस सभी का 1 mm दे रखा है, मुझे यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, और जितने भी पैटर्न रखे मेरे सब जगह लगाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो कंट्रोल प्रेस करूँगा, मुझे सब बहुत सारी जगह लगाना है, यहाँ पर लगाना है, मुझे यहाँ लगाना है, और यहाँ पे यूज़ करना है, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, और यहाँ पे यूज़ करना है, सिमिलरली यहाँ पे भी यूज़ करना है, मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना है, इधर भी अप्लाई करना है, ठीक, इधर भी अप्लाई करना है मुझे, सब जगह मैं इसको जहाँ पे इसके एजिस पे क्लिक करूँगा मैं, और कंट्रोल दबा के, अब मैं देखिए इसको रोटेट करना है तो मैं कंट्रोल को छोड़ दूँगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से करना आपको, अगर कोई दूसरा बटन कहीं क्लिक होगा कीबोर्ड का तो हट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिलेट का ऑप्शन आ रहा है, यहीं पे आपको फिलेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, देखिए प्रोसेस ले रहा है। फिलेट रेडियस कितना रखना है आपको, 1 mm एंटर कर दूंगा, ठीक है, ऑल राउंड हो गया, एंड देन ओके, कंप्लीट दोस्तों, बहुत ही बढ़िया डायग्राम हो गया। अब देखिए इसमें मैं इसमें कलर करना है मुझे, अब कलर कलर कैसे करता हूँ आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब चलिए देखिए पहले मैं इसका एक आपको इसका सेक्शन व्यू दिखा देता हूँ, तो सेक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए सेक्शन व्यू देख रहे हैं हम इसका कितना बढ़िया दिखता है, दिख रहा है हमारा, ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। सेक्शन व्यू में मटेरियल का मतलब अंदर से जो मतलब उसका जो पार्ट है सॉलिड पार्ट, मतलब जितना जो मेरा सॉलिड पार्ट है वो मुझे दिखेगा, देखिए कलर कलर हो रखा है, तो ये सॉलिड पार्ट मुझे दिख रहा है इसका, और जो विदाउट मतलब कलर है वो मेरा क्या हॉलो है, ठीक है ना, ये सारा का सारा मुझे हॉलो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसका अंदर का पार्ट दिखता है मुझे, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन व्यू, अब मैं इस पर कलर करता हूँ 1 by 1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कलर मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, इसकी बॉडी पार्ट पे तो मेरा मतलब पार्ट पे तो मेरा कलर रखा है, मतलब पार्ट पे नहीं, इसकी पूरी इसकी बॉडी पे कलर रखा है मेरा, कितना कौन सा रेड कलर रखा है, ठीक है ना, तो रिवॉल्व पे रिवॉल्व बॉडी पे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, आते हैं अपनी सॉलिड की स्क्रीन पे, तो रिवॉल्व को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन आता है आपका, अपीयरेंस के नीचे अब हमें रिवॉल्व पे करना है, ठीक है, थोड़ा लोड हो रहा हो, अब इसे मुझे रेड कलर करना है, रेड पे हमने क्लिक कर दिया, देन ओके, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए इसी तरह मुझे इसकी कट टेक्सचर पे कलर करना है, कट टेक्सचर पे क्या हो रखा है वो देखते हैं अपने डायग्राम में, ये सीएन कलर हो रखा है आपका कट टेक्सचर पे, तो कट टेक्सचर पे मैंने क्लिक किया, अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ भी हम कट टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, और इसको हम सीएन, सीएन मीन्स क्या होता है, जो मतलब लाइट ब्लू जैसा होता है आपका, उस वो कलर आपका सीएन है, ठीक है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। अब हम कट स्वीप पे देखेंगे, कट स्वीप पे मेरा क्या हो रखा है, ये थोड़ा मतलब जैसे ग्रे जैसा हो रखा कलर आपका कट स्वीप पे, तो हम इसको करते हैं कट स्वीप अपीयरेंस कलर कट स्वीप, ठीक है, अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम लाइट ग्रे, ठीक है, एंड देन ओके। अब लास्ट में हमारा फिलेट है, फिलेट पे क्या कलर हो रखा है आपका, फिलेट पे ये ऑरेंज भूरे रंग का कलर हो रखा है, मतलब डार्क डार्क भूरा, ठीक है, तो इसको हम करते हैं, आते हैं हम सॉलिड्स की स्क्रीन पे, फिलेट के ऊपर राइट क्लिक किया, अपीयरेंस पे जाएंगे, फिलेट 1, एक ही फिलेट लगा रखा था मैंने कंट्रोल प्रेस के सबको सेलेक्ट कर दिया था, ठीक है, ये कोई सा भी ले सकते हैं आप, मतलब एक्यूरेट कोई दिक्कत नहीं आपको, कलर की बात है, ये हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है आपका, और कितनी ईजी वे में इसको मैंने आपको सिखा बताया आपको, ठीक है ना,
और यहाँ पे मैंने इसकी सारी डायमेंशन भी दिखा रखी है, आप इसको डायमेंशन से भी बना सकते हैं और यहाँ पे इसको हम एक्सट्रूड कमांड से भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सबका डाया दे रखा है, इसको हम एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करके भी बना सकते हैं, रिवॉल्व से भी यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको रिवॉल्व कमांड से यूज़ करके बनाया था बताया था और यहाँ पे इसके मैंने सारे व्यूज रिप्रेजेंट किए हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएं। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग और मतलब और इसमें हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी, ठीक है ना। एक तो हमने इसको रिवॉल्व कमांड बढ़िया से सीखा, उसके ऊपर टेप हेलिक्स भी लगी हुई है आपकी, ठीक है ना, टेप मतलब हेलिक्स लगी हुई है, ठीक है आपकी। और यहाँ पे देखिए कट का एक्सट्रूड कट कमांड, सर्कुलर पैटर्न, सारी कमांड्स हमने सीखी बढ़िया डिटेल में, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद इंजीनियर्स।